क्यों बेटी, लड़के से कुछ बात करनी है क्या? मेरे मम्मी पापा ने देखकर हाँ कर दी है, अब मैं इनसे और क्या बात करूंगी। ये क्या, ये कपड़े क्यों पहने हैं? साड़ी कहाँ है, जेवर कहाँ है? फिर सपना देख रही थी, आपको और कोई काम नहीं है क्या? तुम शादी करके बच्चे पैदा कर लोगी तो मैंने इनमें सपने क्यों देखूंगी भला? पता नहीं इस जन्म में इस घर में खुशी का माहौल बन पाएगा या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। गांव वालों के लिए बाद में खाना बना लेना, पहले मेरे लिए नाश्ता बनाइए। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। क्या न्यूज है? क्या रहेगा, सेम ओल्ड थिंग, क्राइम हियर एज क्राइम देयर, कुछ बदलेगा थोड़ी? देश को सुधारने के बारे में सोचो, बेटी की शादी के बारे में नहीं। ये शुरू हो गई सुबह सुबह। रुकेंगी तब ना, नींद में भी यही बात करती हैं। बाय डैडी। बाय बेटी। बस बेटी को हाथ हिलाते हुए ऑफिस भेजना है या पैर धोकर ससुराल भी भेजना है इसे? हाँ सचिन जी, नहीं रुको ना, पहुँच रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। सचिन जी वेटिंग। भूमि, सुपरमार्केट की तरफ जा रही हो ना? हाँ। मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना। नहीं कर सकती। ये क्या, कार खाली ही तो है ना? कार खाली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें सवारी को बिठाती जाऊँ, ये कोई शेयर ऑटो नहीं है। टडा! क्या चल रहा है? फोटो सेशन फॉलोवर्स के लिए मैम, हैशटैग मंडे मोटिवेशन। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल जो देखेगा उसे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? मैडम, एक्चुअली तुम्हें नहीं, पर फोन में जिसने फ्रंट कैमरा बनाया है ना, उसे चप्पल से मारना चाहिए। पर क्योंकि मैं उसे नहीं मार सकती, इसलिए कल से ऑफिस में फोन बैन हो जाएगा। हाय मैम, मैम हमारी फैक्ट्री कम वेयर हाउस कम ऑफिस के लिए एक ब्यूटीफुल प्लान तैयार किया है, श्योर यू विल लव इट, चेक इट आउट। कैसा लगा मैम? अच्छा है। थैंक यू। अपने घर में यूज करना। सॉरी मैम, ये कोई हॉस्टल नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से आओ, ऑफिस है। सिर्फ 10 मिनट्स लेट हुआ है। 10 मिनट्स? हॉलीडेज निकाल दो तो वर्किंग डेज हैं 280। रोज अगर 10 मिनट लेट आई तो साल के 2800 मिनट्स लेट, मतलब तकरीबन 47 आवर्स। रोज के 9 वर्किंग आवर्स मतलब रफली 5 डेज। तो तुम्हारी डेली पे कितनी है, टोटल 5 डेज का कितना लॉस होगा, तुम कैलकुलेट कर लो। बाप रे, इससे जो भी शादी करेगा ना। हाँ, जो भी शादी करेगा वो क्या? मैंने ऐसा कब कहा मैम? वो फोन मुझे दो। दो। इस मंथ की सेल्स रिपोर्ट इवनिंग तक मेरी टेबल पर होनी चाहिए। मैम, रिपोर्ट दे देना और फोन ले लेना। अंकल, गुड मॉर्निंग, आइए ना। हाय, मॉर्निंग। प्लीज कम इन। सो दिस इज द प्रोजेक्ट आईडिया अंकल। नाइस। या, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज प्रीटी गुड। आई रियली लाइक दैट टू। या, अरे बेटी, सबको डरा के रखोगे तो कैसे चलेगा? जिम्मेदार तो वैसे भी नहीं है अंकल, कम से कम डर तो होना चाहिए। मैं एमडी हूँ, ये भूलकर तुम मुझे भी डांट दोगी, इसका डर है। नहीं नहीं। और बताओ क्या खबर है, तुम्हारी माँ क्या कह रही है? शादी के पीछे पड़ी रहती हैं, रिश्ते के लिए लड़कों को घर पर बुलाना चाहती हैं, पर मैं डांट देती हूँ तो खुद जाकर मिलती हैं। बेचारी, क्या तुम उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकती हो? किसी के साथ लाइफ लॉन्ग साथ रहना है तो कनेक्शन तो होना चाहिए ना। तुम्हारा जिसके साथ कनेक्शन होगा, पता नहीं वो कितने समुद्र पार होगा।
हाय हाय पेरिस से अर्जेंटली बुला लिया, कोई काम है क्या? इंडिया जाने के लिए। अब वहां क्यों जाना है? तू तो देख ही रहा है ना, जहाँ कहीं भी देखो बस काला कोट सफेद दाढ़ी। बाहर आके देखने की सोचू तो आकाश को ठक लिया ऐसी बिल्डिंग्स, जमीन दिखाई ना दे इतनी कार से। कितने दिन बीत गए यार, वो पेड़ वो खेत, और बाहर आके देखो तो वो साड़ी चूड़ीदार देखकर। तो क्या कहना चाहते हैं आप? इंडिया में एक प्रोजेक्ट टेकअप करने के लिए हम बहुत समय से सोच रहे थे ना। सोच रहे थे, उन्हें फोन करके बोल दो कि हम टेकअप कर रहे हैं। मोनोटनी से ब्रेक चाहिए यार। ब्रेक ले लो यंग मैन। हाय सर, मेरे दिए गए ब्रेक के बाद तुम्हें अपना ब्रेक लेके आना होगा। हैव अ सीट सर। थैंक यू। डायस पर देखा तो होने वाले बिलियनियर की तरह नजर आए, यहाँ देख रहा हूँ तो कॉलेज जाने वाले मेरे बेटी की तरह नजर आ रहे हैं। ओके, तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। श्योर सर। तुम्हारा बैंक बैलेंस 200 करोड़ तक बढ़ जाए ऐसी तुम्हें एक डील देता हूँ। 200 करोड़ अगर ठीक लगी तो कल ही हो जाएगी। थैंक यू बट नो थैंक्स सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, 200 करोड़। दो के बगल में पूरे 9 शून्य। मैंने कहा ना, नॉट इंटरेस्टेड। कॉलेज के बच्चों की तरह बातें कर रहे हो, सोच तुम्हारी अभी भी वैसी ही है। पैसे जरूरी तो हैं, पर सिर्फ पैसे ही जरूरी नहीं है। नाइस मीटिंग यू। हे, 200 करोड़ यार, उनकी बात सुनकर मेरी तो बोलती बंद हो गई यार, और तुमने इतनी आसानी से मना कर दिया। उसके 200 करोड़ के बारे में सोचना बंद करके हाँ? पहले इंडिया जाने के लिए 2 टिकट बुक करने के बारे में सोच। हाँ। क्यों मैडम, उसने जो लड़का देखा वो भी ओके नहीं हुआ क्या? नहीं, लड़के ने फोटो देखकर हाँ कह दिया तो मैं खुश हो गई थी, पर मेरी बेटी ने तो फोटो देखे बिना ही उसे ना कह दिया। कोई बात नहीं मैडम, वो लड़का वैसे भी एवरेज था। सच में क्या? हाँ। जरा इसे एक बार देखो तो। एक बात कहूँ मैडम, उस दिन जो आया था वो अच्छा था। चुप कर, सबके अंदर खामियां निकालते। कॉफी पियेंगे? जाकर ले आ। ओके। कुछ ऑर्डर नहीं देंगे तो बैठने भी नहीं देते ये। फोटो से अच्छे तो असल में ही दिखते हो। किसे ढूंढ रहे हो तुम? तुम्हारे घर से कोई आने वाला है क्या? लड़की कहाँ है? वो नहीं आएगी बेटा। ओ, कॉफी पसंद नहीं आई क्या? हाँ, रिश्ते देखने का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? मुझसे बात कर लो ना बेटा, अगर मुझे पसंद आ गए तो मैं उससे बात कर लूंगी। कॉफी शॉप में रिश्ता देखने आया तो सोचा ये कोई नया ट्रेंड है, ओपन माइंडेड फैमिली होगी। लेकिन जब वो यहाँ पर भी नहीं आई तो उसके साथ फ्यूचर कैसा होगा? आई कैन इमेजिन। चलता हूँ बेटा। हाय डैडी। हाय। घर में इतनी शांति कैसे है? प्रभावती नहीं है क्या? नहीं है। शाम को ही मंदिर चली गई। ओह, अब तक आई नहीं? तुम्हारे 7 फेरों के लिए 700 बार चक्कर लगाने गई है, भगवान से प्रार्थना करने गई है। नमो वेंकटेश। मेरा तो कोई भरोसा नहीं। अरे बाप रे, आ गई राक्षसी। वो फोन मुझे दीजिए, कॉल करती हूँ। कहाँ जाएगी, आ ही जाएगी ना। वो देखो आ गई। हाँ? अरे रे रे रे। लगता है बहुत थक गई हो। ओह, पैरों में दर्द हो रहा है। थक गई। कहाँ गई थी आप? दिखाई नहीं दे रहा क्या? वेंकटेश्वर स्वामी जी के मंदिर गई थी। प्रसाद लो ना। नई साड़ी, प्रसाद, फूल, पैरों में दर्द, ये सब तो आपने मैनेज कर लिया, पर मंदिर जाते तो नारियल फोड़ के आते हैं, साथ में लेकर नहीं आते। आप नहीं सुधरेंगी। मैं नहीं सुधरूंगी। मम्मी, ऐसा करने से शादियां नहीं होती। तो फिर क्या करने से होगी बता? वही कर लूंगी मैं। गुड़िया की तरह मुझे बिठा कर रखना चाहती हैं, फिर लड़का मुझे स्कैन करके बताएगा पसंद आई या नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम पसंद नहीं आती ऐसा किसने कह दिया? कनेक्ट नहीं हो रहा यही कहकर तुम हर रिश्ते से मना कर देती हो। आप जिससे मिलवाएंगी उससे कनेक्ट हो जाऊंगी? कनेक्ट होने के लिए पहले किसी न किसी को देखना तो पड़ेगा ना। तुम्हारे साथ वाली लड़कियाँ बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, और तुम्हारी शादी करने के लिए मैं दर दर भटक रही हूँ इस तरह। यही लिखा था मेरी किस्मत में। I can't tolerate all this. आप तो कुछ कहिए। सचिन। सचिन। हाँ, हेलो सचिन जी।
गुड मॉर्निंग मैम। मैम, बहुत सोचने के बाद एक और डिजाइन तैयार किए मैंने, आपको जरूर पसंद आएगा, ट्रस्ट मी। कितना लोगे? थैंक यू, मैं जानता था कि आपको पसंद आएगा। आखिर हमारे बीच में क्या नेगोशिएशन मैडम, आपको जो ठीक लगे दे दीजिए। इस डिजाइन के लिए नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा, उसके लिए पूछा। थैंक यू मैम। सरला जी, आपकी सेल्फी पे एक्स्ट्रा लाइक कर दूंगा, मेरे स्केच के बारे में कुछ मत बोलना प्लीज। हम लोग नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा तो इन्फॉर्म करूंगी। यू कैन विजिट दैट। मैडम क्या देख रहे थे? वो मैडम फोन मुझे दो। दो ये लीजिए। क्या है ये? मैं छुपाने की कोशिश करती हूँ मैम, पर पता नहीं कैसे बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? टैलेंट मैम, दोबारा ऑफिस में बाहर आया ना तो चली जाएगी। क्या चली जाएगी मैम? नौकरी। खड़ूस कहीं की। क्यों बेटी, आर्किटेक्ट पर ऐसे भड़क गई? हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है और उसने हमें क्या डिजाइन बना कर दिया, कॉमन सेंस भी नहीं है अंकल। सही कहा, पर तुम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हो भूमि, हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ तुम्हें देखकर डरते हैं। स्कूल जाना है ऐसा कौन सा बच्चा सोचता है अंकल, सब खेलने की ही सोचते हैं। हाँ। लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ बेटी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हो? जब मैं स्ट्रिक्ट नहीं थी तब कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता था, अब स्ट्रिक्ट हो गई हूं तो कोई पास नहीं बुलाता। सच कहूं तो मुझे याद भी नहीं कि मैं पहले कैसी थी, अब ये नहीं पता कैसे रहना चाहिए। सफर कैसा रहा बेटा? गौतम ने बताया कि तुम आ रहे हो। अगर आप फ्री हो तो मैं कल आपके ऑफिस में आके मिलूं। पर आए लोगों की तरह ऑफिस में क्यों, घर पर आओ। श्योर अंकल। जानते हो वो कैसा है? या, आई नो। अरे यार, तूने तो साड़ी और चूड़ीदार बोला था ना, यहाँ तो बिल्डिंग की साइज बढ़ गई और कपड़े की साइज कम हो गए। चुप कर यार, तेरा यही पंगा है यार, ना खुद देखेगा ना किसी को देखने देगा। हाय अंकल। हाय आकाश। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मेरा बेटा आ गया। पहचाना क्या? आकाश। हाय आंटी। हाय बेटा, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। मेरा बेटा कैसा है? He's fine आंटी। उससे कहो कम से कम साल में एक बार आके तो अपने माँ बाप से मिलकर जाए। ठीक है, कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी। CNN में मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। थैंक्स अंकल। घर जाओगे या कुछ दिन यहाँ रुकोगे? एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट काम है अंकल, उसी के लिए आया हूँ। हाँ हाँ अंकल। अरे आओ बेटी, वहां पर क्यों रुक गई? ये आकाश है, मेरे बेटे का फ्रेंड। हाय। और ये भूमि। तुम एक दूसरे को जानते हो? या। जानती हूँ अंकल, कॉलेज में सेम बैच में थे। ओह, एक मिनट तुम बैठो ना। ओके अंकल, मैं अभी आता हूँ। हेलो, बहुत दिन हो गए ना। या। यू लुक वेरी डिफरेंट, क्या कर रही हो आजकल? बस छोटा सा बिजनेस है। और तुम? तो आकाश, कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। ओके हो गया? ऑलमोस्ट ओके ही हो गया है, समझो। हाँ भूमि, पता है ना ये बहुत फेमस आर्किटेक्ट है। ओह। आर्किटेक्ट से मुझे याद आया, हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, जब भी तुम्हें टाइम मिले अगर तुम एक बार देख लेते तो। हमारे प्रोजेक्ट के लिए इतने बड़े आर्किटेक्ट की क्या जरूरत है? क्यों बेटी, बहुत चार्ज करेगा इसलिए, बजट बढ़ जाएगा इस बात का, भूमि को डर है। ऐसा नहीं है अंकल। वन सेकेंड। हेलो, रॉ मटेरियल्स नहीं है ये अब बता रहे हो? काम नहीं कर सकते तो घर चले जाओ, ब्लडी मोरॉन्स। नीड टू गो अंकल, सॉरी। हाँ। बाय आकाश। बाय। क्या आकाश, हैरान हो रहे हो ना,
गुस्सा थोड़ा ज्यादा करती है पर मन की साफ है। Hi ma'am, how can I help you? Please give me some time. Hey, तुम यहाँ कैसे? ये मुझे पूछना चाहिए, मैं यहीं पर स्टे कर रहा हूँ। एक बिजनेस डील के लिए बात करने आई हूँ। ओह, ठीक है, तब तक मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। You know what? जीन्स पहने वालों के बीच किसी को अगर साड़ी में देख लिया तो तुम साड़ी में बहुत अच्छी दिखती हो, पता कॉलेज स्टूडेंट की तरह सिली कॉम्प्लीमेंट्स मत दो। कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कॉलेज में होना जरूरी है क्या? किसी भी एज में दे सकते हैं। पर सीरियसली, तुम साड़ी में लाजवाब लग रही है। फ्लर्टिंग में कोई कोर्स करके आए हो क्या? अरे फैक्ट बता रहा हूँ तो फ्लर्ट क्यों कह रही हो? मुझे ये सब पसंद नहीं। जब इतनी सुंदर हो तो ये सबसे बच नहीं सकती। और बताओ, बिजनेस कैसा है? या फाइन। ग्रेट। वैसे अंकल किसी प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे थे, तुम चाहती हो मैं देखूं? नो नो, नॉट नेसेसरी, छोटा सा प्रोजेक्ट। हे, हिचकिचाओ मत, आई विल हेल्प यू आउट। कोई बात नहीं आकाश, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये क्या, किसी के साथ बिजनेस मीटिंग में बताया था? जिसे टाइम की वैल्यू ना हो उसके साथ बिजनेस क्या करना। बिजनेस में फाइनेंसेस देखना चाहिए पर टाइम सेंस का क्या काम? पैसा जरूरी है पर सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है। बाय। अभी ये इतनी इंटरेस्टिंग है लेकिन तब क्यों नहीं ऐसा लगा? तब ऑब्जर्व नहीं किया था क्या, या मुझे कुछ लगा ही नहीं? हे, तू ही है क्या? कितनी लड़कियों ने तुझे प्रपोज किया होगा यार, किसको भाव दिया है तूने? वो औरों जैसी नहीं है, बहुत ही नई सी है, इसलिए थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। उसके लिए यहां से क्यों, पास जा सकते हैं ना? जाना होगा यार, उसके लिए एक रास्ता है। ओ, किसे? पास जाना होगा कह रहा था ना, ये ले जाएंगे। हेलो आकाश। हाय अंकल। हाय भूमि, ही इज रघु, माय फ्रेंड कंपनी है। हाय। सो हमारा प्रोजेक्ट तुम ही कर रहे हो? या मैं ही करूं, ऐसा भूपति जी मेरे पीछे पड़े थे तो मैं मना नहीं कर पाया। तुम ही ने कॉल करके बोला ना कि तुम करोगे, उन्होंने बताया। ओ, ऐसा बोला उन्होंने? तुमने तो ऐसे ही बोला था। बताया था ना, छोटा सा प्रोजेक्ट है। मैं करूंगा कह रहा हूं ना। मुझे कुछ भी इजीली पसंद नहीं आता, बाद में तुम्हें परेशानी होगी। मैं करूंगा और पसंद नहीं आएगा? अरे यार, असल में इसके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है, बहुत आसानी से डिजाइन करके रख देगा ये। देखते हैं। सर, टी। सर, सॉरी सॉरी मैडम। आंखें सिर पर लगाई हैं क्या? सॉरी मैम। साफ करो। ओके मैम। यार तूने बोला इंटरेस्टिंग है लेकिन देख कर तो नहीं लगता। ऐसे देख के जज मत कर यार। ए, तेरा रेंज और तू जो काम कर रहा है ना, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। पास जाने के लिए थोड़ा कम होना पड़ेगा वरना नहीं होगा। ओ। किशोर, कम टू माय कैबिन, दिस इज आवर साइट लेआउट। मे आई कम इन मैम? ही इज आकाश, आर्किटेक्ट फ्रॉम पेरिस। दिस इज किशोर, आपके जो भी डाउट्स होंगे ये क्लियर कर देगा। श्योर। हेलो, स्केच बनाने के लिए पेरिस से पेंसिल हिलाते हुए यहाँ पर आ गए? हमारे पास पेंसिल नहीं है या हम बना नहीं सकते? हमारे डाउट्स क्लैरिफाई करने हैं, तू अपने मत बता। वाओ, कितने हैंडसम हैं आप। वन सेल्फी प्लीज। श्योर। सेल्फी सरला, आप मुझे जानते हैं?
आपका टिकटॉक वीडियोस पेरिस में बहुत फेमस है। टिकटॉक हटा के हम जैसे टैलेंटेड लोगों पर लात मार दिया गया। मुसीबत टली। बस बेकार बातें करोगे या काम भी करोगे? देखा उस लड़की को, लेकिन लग रहा है कि हम ही बोल रहे हैं। कोई डाउट है? साइट कहाँ है? प्लॉट कितने हैं? जीएचएमसी नॉम से कितना है? साइट के पास कौन है? पेपर वर्क कहाँ तक आया है? ये सारे डिटेल्स दो दिन में अगर मिल जाए ना तो हम काम स्टार्ट कर देंगे। अब चले। टू डेज। सल्ला, सेल्स रजिस्टर लेकर आओ। मैम कह रही है कि सेल्फी लेकर आओ, किसके साथ आखिर? आपको सेल्फी नहीं सरला जी, सेल्स रजिस्टर लेकर आने को बोला है उन्होंने। ओ। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। ए, तो इंडिया आ गया पर घर आने का इरादा नहीं है क्या? आ जाऊंगा मां, छोटा सा काम है। बस पूरा होते ही आ जाऊंगा। दो साल हो गए तुझे घर आए हुए, तब से तुझे सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पर ही देखा है। माँ मैं बाद में कॉल करता हूँ। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं आंटी, सब सही है या नहीं देख लीजिए। रिश्ता देखने के लिए कैफे आई थी बेटा, बाहर आते ही इसने बैग छीन लिया। रिश्ता देखने कैफे में? लेट होगा चलेगा, लेकिन डिटेल है बताइए। सुनने में ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? थोड़ा संभल कर रहना चाहिए ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, ऊपर वाले की कृपा हो गई और समय पर तुम आ गए। अब ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। ठीक है। ऑटो जुबली हिल्स। हाँ, बैठिए बैठिए। ठीक है, बाय बेटा। बाय मैडम। ये हमारी प्रपोज्ड साइट है सर, शादनगर में। Okay. अगर ये यहाँ पर रह गया तो समझ लो भले ही कितना टैलेंट क्यों ना हो, हमें लोकल कहकर सब चीप समझेंगे और इसे अब्रॉड से आया कहकर इम्पोर्टेड कहकर रिस्पेक्ट देंगे। ओके सर, छोटा फील मत कीजिए किशोर जी। थैंक यू। आप पेरिस से आओ या फिर परेल से आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर प्लॉट्स की साइज की जोक। विदेशी आदमी है ना, हैशटैग लगा के जोक मार दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, भूमि को भी एक बार इन्फॉर्म कर दे। मैडम को ऑलरेडी ये सब इन्फॉर्म कर दिया है सर, आपको भी एक बार पहले को बोला है। देखो भैया, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, वो जो कुछ भी कह रहा है आपके समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? जरा दूसरा लेके आने को। 1 सेकंड सर। बिंदु, मार्कर ला रही है सर। इंपोर्टेड मार्कर लेकर आओ। पसंद है क्या? देने में इतना समय लगा है, मतलब जरूर पसंद होगी। एक्सक्यूज मी सर। फॉलो करो। इनकी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है। फिल्मों की तरह इस लड़की की फैमिली काफी गरीब है और इस लड़के की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है, और हमारे ऑफिस में चलने वाली इस ऑपोजिट लव स्टोरी के लिए हमारे बड़े साहब लव गुरु का रोल प्ले करते हैं। कौन? हमारे भूपति जी? हाँ वही। वो देखो नाम लिया और सामने आ गए, फिर वो डांस करने लगा। इनकी उम्र बहुत लंबी है, अब देखना ये जाके उनसे बात करेगी, वो कैजुअली रिप्लाई करेंगे। अच्छा, इतनी सी बात पे वो जोर जोर से हंसेगी। हालांकि हंसने के लिए कोई जोक वोक नहीं मारा सर ने, ये इसकी आदत है सर, कुछ भी बोले इसके लिए जोक ही होता है। सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी लोगों के लिए भेल की रेसिपी है ये। तो आप भी बना सकते हो ना? मेरे से बन जाएगी ऐसा सोचा था भैया, पर क्या कहने पर वो कब हंसेंगे ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरी बात रखने से पहले वो निकल जाते हैं। समझ में आया ना, भेल बनाना भी एक आर्ट है, आर्टिस्ट को कम मत समझना प्लीज। अबे तेरी। हाँ, तो फिर साइट देखने के लिए कब जा रहे हैं? बस अभी जा ही रहे हैं अंकल। हाँ हाँ, गुड। किशोर मैम, इन्हें साइट दिखा दो। जी मैम। तुम भी जाओ बेटी। अंकल मैं जाऊंगी तो ऑफिस कौन? तुम्हें यह इंडिया बॉर्डर लग रहा है कि थोड़ी देर ऑफिस में नहीं रहोगे तो दुश्मन घुस जाएंगे? सुपर सर, सुपर, गुड सर, सुपर। बापे, ये सब तो बड़ी भेलपुरी का चक्कर लग रहा है। मेरी कार में चले? अपनी अपनी कार में जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे एड्रेस पता नहीं है ना। किशोर मैम, तुम इनके साथ आओ। यस मैम। भैया तुम्हारी मैडम बहुत स्ट्रिक्ट लगती हैं। जो बोलना है ओपनली बोलो। बहुत घमंडी है लगता है। घमंड का अगर कोई टूर्नामेंट होता तो हर सीजन में सिर्फ वही विनर होती। लगता है अभी तक शादी नहीं हुई। शादी कौन करेगा? लड़की सुंदर नहीं होगी तो भी आदमी एडजस्ट कर लेगा, घमंडी के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। भूमि, नाइस सारी। साइड देखी? नाइस सारी है? तेरा बॉस तो रेगिस्तान में गुलाब का फूल खिलाने की सोच रहा है। हाँ? हाँ?
हेलो। वैसे भूमि, ये इको फ्रेंडली क्या है? पूरी दुनिया में तुम अकेली सुधार लाना चाहती हो क्या? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, इतना सीरियस क्यों हो रही हो? आई एम जस्ट किडिंग। लड़के और आर्किटेक्ट सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि उनको रिजेक्ट किया जा सके। हर बॉल पे सिक्स मारने वाला बैट्समैन देखा है क्या? ये मार सकता है। हर बॉल को नो बॉल कहने वाला एम्पायर देखा है तूने? वो सामने देखा। हाँ? मम्मी, खाने में क्या बनाया? ये कैसा इशारा है? मुंह क्यों नहीं खोल रही? मौन व्रत है। मौन व्रत है, पर किस लिए? मेरी मम्मी को मेरे मार्क्स के अलावा और तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे मैरिज के अलावा और क्या चिंता होगी बताओ? इनके मौन व्रत धारण करने से मेरी शादी हो जाएगी क्या? मेरी मम्मी प्रार्थना करेंगी तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। उनकी तो सोच ही ऐसी है। जाने दो, इनसे कहो कि ये व्रत वो रोज रखें। हमारे मन को शांति तो मिलेगी। पर मैं तुम्हारी तरह अपनी मम्मी को तकलीफ नहीं दूंगी। जो भी क्लास में फर्स्ट आएगा मैं उससे ही शादी करूंगी। तुम पहले बिस्तर गीला करना छोड़ो, उसके बाद शादी कर लेना। ये सब कौन है? लड़कों के घर में हीरोइंस के फोटो होते हैं, तुम्हारे घर में दूल्हे के फोटो के अलावा और क्या होंगे? हाँ, ये लड़का कौन है? कितना हैंडसम है। अच्छा, दिखा, अच्छा, दिखा, 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 मेरे सामने आपका ये व्रत और हवन नहीं चलेगा। भूमि, चीटिंग, 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 क्या हुआ? कौन कर रहा है चीटिंग? हाँ? क्या हुआ बेटी? प्रभावती का व्रत इसने बिगाड़ दिया। कितनी बुरी है ये। ये क्या है? वो हमारे श्रीधर है ना, हाउस नंबर 12 के, उनकी बेटी की शादी है। उन्होंने कार्ड दिया है शादी में हमें। इसकी ओढ़नी के फंक्शन के वक्त इसकी चोटी बनाई तुमने? वो शुभलेखा थी, इतना रो क्यों रही है? अब मेरी जिंदगी में रोने के अलावा बचा ही क्या है? इतनी परेशानी हो रही है तो शादी में मत जाना। हर चीज को मेरी शादी से लिंक मत किया करो। लोग पूछते रहते हैं कि तुम्हारी शादी कब होगी, जवाब नहीं दे पाती, इसीलिए अब मैंने शादी में जाना ही बंद कर दिया। ये बताइए, शादी करवाने के लिए मुझे पैदा किया है क्या? अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो कोई क्राइम कर दूंगी क्या? मौन व्रत कर रही हूँ इसीलिए मेरा मुँह खुलवाया ना, पर लोगों का मुँह कैसे बंद करवाओगी तुम? अरे नाश्ता मिल गई तसल्ली। देख के तो एसी में भी पसीना आ रहा है। जिस काम से आए हो वो बताओ। हाँ, आज की तारीख क्या है? ये बात पूछने आए हो क्या? हमें जो ऑर्डर करने वाली थी उसकी तारीख 18 थी और आज की तारीख है 19। अब तक डिलीवरी भी नहीं आई और लेट होने के कारण कोई फोन भी नहीं। ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? हाँ कार्तिक, कम टू माय कैबिन। इन्हें अब तक डिलीवरी नहीं दी क्या? प्रोडक्शन डिले हो गया मैम, बस 70% ही कंप्लीट हुआ है। तो इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए? इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? क्या मैटर है? एक काम करते हैं, पुराने तरीके से मेरे पास केमिकल्स मिलाए हुए कुछ फर्टिलाइजर्स हैं, वो मैं आपको बेच देता हूँ। आपका और मेरा दोनों मिला के पैकेजिंग करेंगे तो समझो हम दोनों बहुत माल छाप सकते हैं। मिलावट वाले प्रोडक्ट्स मैं नहीं बेचती, मेरा बिजनेस ऐसा नहीं है। अरे बाप रे, ये गुस्सा लगता है तुम्हारी मैडम ने एग्रीमेंट ठीक से नहीं पढ़ा है। अगर टाइम पे माल डिलीवरी नहीं हुई तो जो पैसा आपने लिया है उसका डबल देना होगा। काम पसंद है इसलिए करती हूँ, पर नुकसान के डर से तरीका नहीं बदलूंगी। अगली बार डील एक्सेप्ट करने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लेना, अगर कोई गड़बड़ लगे तो दरवाजे से ही भगा देना। ऐसी लड़की को अगर इंप्रेस करना है तो कुछ समय साथ में ट्रैवल करना होगा। मैम, रॉ मटेरियल फाइल।
प्लान रेडी हो गया क्या? बस हो रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हें पसंद आना चाहिए, तो इतना इजी नहीं है ना। सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, एक्चुअली आउट ऑफ द ग्लैग। क्यों भैया, तुमने बना दिया? अब तक नहीं भैया। अब तक तो मैं 10 बार बना चुका होता, पता है? क्या लकीरें क्या? स्केच भाई। एलकेजी का बच्चा जो घर बनाता है ना, हाँ। और इंजीनियर जो बनाता है, उसमें बहुत फर्क होता है भैया। आकाश जी। बोलिए सरला जी। मैंने एक नया वीडियो बनाया है, देखेंगे? मना करो तो नहीं दिखाओगे? बताइए। क्या हुआ? उंगली कट गई। वो फर्स्ट एड किट दो। कैसे कट गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दर्द हो रहा है क्या? ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा कट है। ये सब क्या है? सॉरी मैम, कार्तिक को चोट लग गई, इसी टेंशन में ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी टेंशन लेने से इसका पेन कम हो जाएगा, आंसू बहाने से ब्लीडिंग रुक जाएगी। किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है, पर इस वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कंसर्न दिखाए बिना ऐसा गुस्सा क्यों करती है ये? गुस्सा भी एक कंसर्न है यार, बस समझ में आना चाहिए। आजकल तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही भाई, तुझे समझना मुश्किल है। हेलो बेटा। और कल के सारे प्रोस्पेक्टस हैं। हाय। अरे रिश्ता ढूंढने वाली आंटी। हाय। चला जा। वो रखना। तुम ही हो या मैं सपना देख रही हूँ? कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ आंटी। आप यहाँ कैसे? और कैसे, रिश्ता देखने आई होंगी, है ना आंटी? अरे यार। हाँ बेटा। इतना निराश होकर बोल रही है, मतलब ये भी लड़की के बिना अगर माँ आ जाए तो किसे पसंद आएगा? सही कहा आंटी। ये कौन है मैडम, एक ही दिन में 2 रिश्ते देखने हैं क्या? नहीं नहीं, जान पहचान वाले हैं। कॉफी पियोगे क्या बेटा? अभी अभी तो पी है आंटी। वैसे इतनी तकलीफ किस लिए आंटी, आप खुद ही अपनी बेटी को समझा सकती हैं ना। सुनने वाली होती तो डांट कर समझा लेती, झुकने वाली होती तो धमका कर बोल सकती थी, पर मेरी बेटी तो राक्षसी है बेटा। इनकी बेटी भी हमारी मैडम की तरह ही है। अच्छा बेटा, वैसे तुम्हारी शादी हो गई है? अभी तक नहीं हुई आंटी, लेकिन एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ। गुड 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 गुड। गुड तो कुछ नहीं है आंटी, सब बैड ही है। ये क्या बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑलमोस्ट आपकी बेटी की टाइप की है। इस जमाने की लड़कियां तो बेटा साक्षात भगवान राम भी आ जाए ना, तब भी लाखों कमियां निकालेंगी। ओ, हमारी राक्षसी कहानी का समय हो गया है, मैं चलती हूँ बेटा। ठीक है आंटी। बेटा मेरा फोन नंबर रख लो, अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा ना तो बताना। ओके श्योर आंटी। बाय बाय आंटी। बाय। जब लड़के प्यार करते हैं तो भाव नहीं देती हैं। माँ बोलती है शादी करवानी है तो बात नहीं सुनती, असल में लड़के चाहती क्या है, है? भूमि भाव नहीं दे रही है, यही तेरी प्रॉब्लम है ना? कल ही उसे स्केच दिखा देंगे। ये स्केच है, इसके लिए तुम वहां से यहां आए थे।
इम्प्रेसिव। वहां से आने के लिए इतना काफी है क्या? कुछ भी टेकअप किया तो मैं जॉब डन समझ लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे टैलेंट पर कॉन्फिडेंस है। फर्स्ट टाइम कहीं रिजेक्ट ना हो जाए ऐसा डर लग रहा था। अपने नए रूप से तुमने मेरा परिचय करवाया है। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। कॉफी पर चलें क्या? मुझे आदत नहीं है। लेट हो गया हो तो भी नई आदतें बना सकते हैं। नई आदतें मुझे पसंद नहीं है। ये प्रेजेंटेशन अंकल को दिखाएं क्या? मेरी कार में चले क्या? मेरी कार में चलते हैं। चॉकलेट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है। तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दिए ना, अब क्या प्रॉब्लम है? पैसे वापस कर दिए वो तो ठीक है, पर मेरे ईगो का क्या हुआ? हाँ, एक तो मैं मर्द हूं, ऊपर से एज भी ज्यादा है। उस दिन आपने जो मेरा अपमान किया ना, तब से महाभारत के दुर्योधन की तरह मेरा खून उबल रहा है। चलो मान लेता हूं लड़की हो इसलिए गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। कल को अगर ये बात पता चल गई तो कोई भी आके चेक के बदले चप्पल फेंक के मारेगा। कांटा अगर हाथ में चुभ जाए तो पूरे पेड़ को उखाड़ के फेंक देता हूं, और ऐसे में मेरे सामने सर उठा रही हो? एज बढ़ जाए तो काफी नहीं होता, लेडीज के लिए रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। मौसम बहुत ही गर्म है, तुम जाके अंदर बैठ जाओ। कांटे बीच में आ जाए तो कोई पेड़ उखाड़ देता है क्या? सभी सेलिब्रिटी एक दूसरे को चैलेंज करके पेड़ लगा रहे हैं, तो तू आके पेड़ उखाड़ेगा क्या? मैंने तो सिर्फ पंच के लिए बोला था, मेरे घर में भी बहुत सारे पौधे हैं, चाहो तो आ जाओ दिखाता हूँ। उस दिन जो एक्स्ट्रा पैसे लिए थे वेस्टेज खर्चा सब लौटाना होगा। हाँ हाँ, दे दूंगा पूरा दे दूंगा। मेरा ईगो हर्ट हो गया, दुकान कट हो गया कहकर भूमि से वापस पंगा लेने की सोच रहा होगा शायद। मेरा नाम बताया गया आकाश, भूमि के चारों तरफ मैं होता हूँ। क्यों मारा उसे? मैंने कहा था मारने के लिए। तुम यहां कहीं और से आए हो, काम खत्म होते ही चले जाओगे। उसके बाद उसने परेशान किया तो मेरे स्टाफ की सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? मेरे लिए तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, किससे कैसे डील करना है मैं जानती हूं। तुम अपना काम करो और जाओ। हो गई तसल्ली? हेल्प करने के बाद गले लगा लेगी, विलन को मारने के बाद गाना गाएगी। तुमने जिससे प्यार किया वह सिनेमा की हीरोइन नहीं है भाई। ए, चार लोगों को मारने से लड़की पट जाती तो गुंडों के अलावा किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं होती। वैसे भी भूमि को इंप्रेस करने के लिए नहीं मारा मैंने, वो गलत बर्ताव कर रहे थे, गुस्सा आया तो मारा, ये उसे पसंद नहीं आया, गुस्सा आया तो डांट कर चली गई। हेल्प कोई भी करे थैंक्स तो बनता है ना, मुंह घुमा के नहीं जाता कोई। अब चले। चल।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर से बात करने आई थी मैम। क्या बात करनी है उनसे? जाओ, थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। 100 करोड़ की बिल्डिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाद में बात कर लेना। चलो जाओ। मैंने कहा ना, जाओ। हाय, कब आए तुम? बस अभी आए अंकल। हाँ, बिंदु कहाँ है? मैंने उसे वापस भेज दिया। हम यहाँ प्लान डिस्कस करने आए हैं और उसे अपनी कोई अर्जेंट इम्पोर्टेंट स्टूपिड बात करनी थी। प्लान का क्या है बेटे, कल ऑफिस में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उस लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या हुआ अंकल? कार्तिक की कहीं शादी तय हो गई है बेटा, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहता। हाँ, पता है। क्योंकि वो एक दूसरे को चाहते हैं, पर वो अपनी फैमिली से बहुत डरता है। कहीं उसकी शादी हो ना जाए, इसी बात से ये लड़की बहुत टेंशन में है बेटा। मैंने कहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगा। सॉरी अंकल। अरे क्या सॉरी, तुम्हारे अंदर तो फीलिंग्स है ही नहीं। तुम्हारे हिसाब से किसी को प्यार ही नहीं करना चाहिए। मैं बात करता हूं अंकल। कार्तिक के घर वाले गांव में रहते हैं। मैं उनसे बात कर लूंगा अंकल। लड़की अनाथ है, इसलिए दहेज नहीं मिलेगा, ऐसा वो सोच सकते हैं। मैं जाके समझाऊंगा अंकल। लड़के की फैमिली बड़ी है, नहीं मानेंगे। मैं मना लूंगा अंकल। ठीक है, मैं भी साथ में आऊंगी। बाय अंकल। बाय। मैं इन्हें जुदा करने वाला कोई विलेन नहीं हूं। इन्हें तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन यह हमारे परिवार का इकलौता वारिस है। इसकी शादी के मामले में हमारी तरफ से उम्मीदें रखना कोई गलत तो नहीं है? इसकी खुशी के लिए इतने सारे लोगों को दुखी करना सही नहीं है ना? यह आपको दुख ना दे ये सोचते हैं, इसीलिए तो अभी हम यहां आके बात कर रहे हैं अंकल। परिवार का मतलब पीछे खड़े बड़े भाई की तरह होना चाहिए, आगे बढ़ने ना देने वाली रुकावट नहीं बननी चाहिए सर। उसका कोई नहीं है इसके अलावा। इस लड़की के बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है। कम से कम इसे बुरा भला कहने के लिए कोई अपना होना चाहिए ना? ये खुद आपके घर आ जाएगी तो दुख बताने के लिए, खुशी बांटने के लिए कोई और क्यों? आप सभी तो रहेंगे ना? कोई भी शादी लड़की को उसके परिवार से दूर करती है, पर ये शादी बिंदु को उसका परिवार देगी। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है, प का मतलब प्यार करना और भ का मतलब भूल जाना। बस यही दो अक्षर तो है प्यार। हाँ, उसके लिए इतना समय और इस मीटिंग की क्या जरूरत थी? प्यार बस दो ही अक्षर है सर, पर उसके बीच की दूरी दो जिंदगियां हैं। प्यार मतलब त्याग करके भूल जाना होता है। प्यार करने के लिए एक पल काफी होता है सर, लेकिन भूल जाने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं होती। आपको समझा सकूं, इतना बड़ा आदमी तो नहीं हो। बड़े दिल से इनको अपनी मनचाही जिंदगी देंगे या अपने बड़प्पन के लिए जुदा करेंगे, ये आपकी मर्जी है। मैंने सोचा था कि लड़की का परिवार बड़ा होना चाहिए। ससुराल को ही मायका समझने वाली बहू आएगी तो मना क्यों करूंगा। थैंक यू सर, शादी में लड़की की तरफ से कोई भी कमी मैं आने नहीं दूंगा सर। इन दोनों की शादी की तैयारी का जिम्मा हमारा है। क्या कहती हो भूमि? ठीक है, हमने जो मुहूर्त तय किया है शादी उसी में होगी। अच्छी बात की नायडू जी से। थैंक यू। आर्किटेक्चर के साथ साथ लेक्चर भी देते हो क्या, या फिर तुमने किसी बुक से कॉपी किया था? कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो अच्छे से दे सकती हो ना।
उस दिन जो रिश्ता देखा था क्या हुआ आंटी? पक्का हो गया क्या? पक्का हो गया होता तो मंदिर के चक्कर क्यों लगाती बेटा? शादी का मंडप ढूंढ रही होती ना? मतलब मेरी तरह आपका मैटर भी स्लो ही जा रहा है। तुमने उसे बताया नहीं तुम उससे प्यार करते हो? नहीं आंटी, वो सामने होती है तो सारी बातें कर लेता हूँ, पर मेरे प्यार के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा डर लगता है। पर इन सब बातों से मुझे क्या लेने देना? मेरी बेटी की फोटो देखोगे क्या एक बार? नहीं आंटी, मेरा प्यार है। मैं भी तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। आपकी बेटी और मेरी लवर को हमारा प्यार कब समझ में आएगा पता नहीं। ये क्या है आंटी? मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम का नाम लिख रही हूँ करोड़ बार। अगर वर्कआउट हो जाए तो मुझे बताना, मैं भी लिखूंगा 10 करोड़ बार। इतना प्यार करते हो उससे? बहुत खूबसूरत है क्या? वो खूबसूरती, वो घमंड, क्या बताऊं आपको आंटी। मान लो उसे ऑर्डर देकर बनवाया है। तो क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? पसंद हूँ ऐसा ही लग रहा है आंटी, पर बाहर से दिखा नहीं रही है ऐसा डाउट है। सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ये कहाँ जाएगा ये सोचकर वेट करती है, और जब दूर जाते हो तो पीछे पीछे आ जाती है। मैं समझा नहीं आंटी। आइडिया अच्छा है आंटी, पर वर्कआउट होगा क्या? ट्राई करके देख लो। अगर फेल हो गया तो फिर तुम भी राम का नाम करोड़ बार लिख लेना। प्रभा, क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम जी का नाम करोड़ बार लिख रही हूँ। लगता है राम जी ने आपकी सुन ली है, अब उनका नाम लिखना बंद कर सकती हो। क्या कह रही हो? अब से आपको मेरी शादी के लिए कॉफी शॉप्स के और वेडिंग वेबसाइट्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? संन्यास लेने का डिसाइड कर लिया है क्या तुमने? मम्मी, क्या हुआ? मुझे मेरा मनपसंद लड़का मिल गया है, तो अब आप ये पेन बगल में रखो और शादी की तैयारी शुरू करो। क्या कह रही हो? सच में भूमि? भूमि, सच कह रही है ना भूमि? भूमि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भूमि, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। पुजारी से बात करके मंडप के लिए बात कर लूं क्या, या फिर पहले जाकर पूजा करती हूं? प्रभा, शांति से बैठो, बाद में सब कर लेना, पर पहले मुझे जाकर लड़के को तो बताने दो। ये क्या, तूने अब तक बताया नहीं उसे? कल बता दूंगी मैं। नेक काम में देरी कैसी बेटा, अभी कॉल करके बता उसे। करूं क्या? जल्दी से कॉल करना। ठीक है। वैसे भूमि, वो लड़का भी तुझे पसंद करता है? डायरेक्टली तो नहीं बताया, पर मुझे समझ में आ गया। आज बारिश का आना तो पक्का है। वो क्यों? ये तुम्हारा मुझे ढूंढते हुए आना क्या है? कुछ नहीं, घर में बोर हो रही थी तो आ गई। कुछ बताने आई हो, पर बता नहीं पा रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आई हूँ मैं। सच में कुछ नहीं है क्या? ऐसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? छुपाने के लिए है ही क्या, मैं कल गाँव जा रहा हूँ। ओह, फिर कब आओगे? वहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स है, खत्म होते ही आ जाऊंगा। क्या प्रोग्राम्स? मेरे उम्र का लड़का इतने सालों बाद घर जाएगा तो क्या होगा, रिश्ता देखना है। 30 साल का हो गया हूं, अभी शादी नहीं करूंगा तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा मेरी मां कह रही है। पसंद आए या ना आए, पर एक बार जाकर लड़की देखनी पड़ेगी। मतलब लड़की पसंद आई तो हाँ कर दोगे क्या? हाँ कर दूंगा। एक्चुअली आंटी का आइडिया बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रहा है, थोड़ा ट्राई करता हूँ, शायद खुल जाए। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई पसंद का लड़का नहीं मिला?
या फिर तुम किसी को पसंद नहीं आई? मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? मैं मजाक बन गई हूं, है ना? क्या पूछ रहे हो? शादी क्यों नहीं की? सर झुकाकर मंगलसूत्र पहनना अच्छा लगता है, आंखें बंद करके हाथ पकड़ना अच्छा लगता है, ये बातें मैं नहीं समझती थी, इसलिए शादी नहीं की। और क्योंकि पहले किसी से प्यार नहीं हुआ था, अब मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देख पा रही, इसलिए नहीं की। भूमि, असल में मुझे बात करने दो आकाश, मुझे बात करने दो। और कितनी बार बेवकूफ बनना होगा तुम्हारे बारे में, और कितनी बार गलत साबित होंगी, पर गलती मेरी ही है, पूरी तरह मेरी ही है, तब भी तुमसे प्यार करके गलती की और दोबारा तुमसे प्यार करके गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी इसे दोबारा प्यार करना नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हें मैं भूल नहीं पाई थी, हमारी बातों को, उन यादों को और तुम्हें, मुझे लगा था मैं भूल चुकी हूं, पर तुम्हारे आने के बाद पता चला कि मैं वहीं रुकी हुई थी। शायद इसीलिए कभी कोई और पसंद नहीं आया। मैं साड़ी में अच्छी लग रही हूं ये बात जब तुमने कही, तो उसके बाद मुझे कोई और कपड़ा पहनना पसंद ही नहीं आया। साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। तुमने जो कॉलेज में सेव नेचर कैंपेन शुरू किया था, उसी के बेस पर मैंने कंपनी स्टार्ट की। सेव द नेचर, सेव द नेचर, सेव द नेचर। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें, जो कपड़े पहनती हूँ, जो मेरे मन में है, मेरी सोच में, मेरी पूरी जिंदगी में तुम हो। जहाँ देखो वहां तुम ही तुम हो, ये बात तुमसे मिलकर पता चली। किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा नर्क क्या हो सकता है पता है? जिससे प्यार किया उसे उस प्यार के बारे में ना बताना, उस प्यार को भूलकर दुनिया को देख पाना। पहली बार जब रॉन्ग नंबर लगा तो रीडायल करने पर राइट कैसे लगेगा? भूमि, इट्स ओवर आकाश, इट्स ओवर। तुम्हारे बोलने के लिए और मेरे सुनने के लिए अब और कुछ नहीं बचा। वैसे भी हमारा मिलना हमारी किस्मत में नहीं है। भूमि और आकाश भले ही आमने सामने हो, पर कभी मिल नहीं सकते। तुम और मैं भी वैसे ही हैं। गुड बाय। पहली बार जब रॉन्ग नंबर लगा तो रीडायल करने पर राइट कैसे लग सकता है? उससे जिस दिन पहली बार मिली, वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने है। इनफैक्ट उसके साथ बिताया हर पल मेरे मन में जैसे छपा हुआ है। आकाश, तीन अक्षर का नाम, आठ कदम का साथ, आठ सालों की यादें। यहाँ भी वही किताबें हैं। क्लास में लेसन सुनना चाहिए, यहाँ जो लेसन में नहीं है वो पढ़ना चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस मेरे साथ करनी चाहिए।
इंजीनियरिंग की लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम है, बायोलॉजी को भी गंदगी की तरह देखती हैं। हमारे लोगों ने बहुत मेहनत करके ट्रैफिक क्लियर किया है, अब अगर तुम एक भी किस नहीं दोगी तो उन बेचारों को बुरा लगेगा। एक मतलब एक ही किस? दो ना मैडम। मैंने सब ढूंढ लिया, तुमने जो ऑथर बोला था वो तो नहीं है। ये ओके क्या? देखो ये सब कौन है, तुम्हारे क्लासमेट्स हैं क्या? वैसे शिवा कहाँ है? अरे हमारा शिवा, शिवा या हो कहाँ चला गया था यार? इसके साथ रहने को बोला था। एग्जाम है ना, इसलिए वहाँ पढ़ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैंटीन में वेट कर रही हूँ कब से। लाइब्रेरी में क्या करते हैं? बुक सर्च कर रहा हूँ। वैसे लाइब्रेरियन कहाँ है? ये देखो यहाँ आ गया। गुड मॉर्निंग सर। सब क्लियर करने के लिए बोला था ना। बाय। लाइब्रेरी में अकेली लड़की और 10 लफंगी लड़के, सिचुएशन समझ में आ गई थी। सो न्यू एडमिशन है? लगता है सीएस की है। हम बिल्डिंग बनाएंगे तो ये सब कंप्यूटर लगाएंगे यार। चलो क्लास का टाइम हो रहा है। लव एट फर्स्ट साइट के बारे में सुना तो था, यकीन तब हुआ जब मैं उससे मिली। इंस्टेंट कनेक्शन हो गया, जैसे मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ, और अब लगने लगा कि उसी के साथ रहना है। वैसे जिसने तेरी हेल्प की वो कौन है? पता नहीं, दूसरे ब्रांच वाला था शायद। जाने दे, सही टाइम पर आकर हेल्प किया उसने। हाँ पर मैंने उसे थैंक्स भी नहीं कहा। इसी कैंपस का है ना, कभी ना कभी जरूर दिखाई देगा। कहाँ गई मेरी वॉच? यहीं गिरी थी। अरे मिल जाएगी, फिक्र मत कर। Have you lost something? Yes, something very important. ये है क्या? देखो। Yes. Thank you so much. तुम तो लाइब्रेरी लाइब्रेरी नहीं, मेरा नाम आकाश है। भूमि, भूमिका। This is my friend Anjali. Hi. Hi. मुझे तो लगा खो गई, ऐसा लग रहा था जैसे जान चली जाएगी। इतना एक्साइट क्यों हो रही हैं? इसको आप फ्री में भी देना चाहेंगी तब भी कोई नहीं लेने वाला। थैंक यू। ऑलरेडी तो बोल दिया ना। ये उस दिन लाइब्रेरी में हेल्प करने के लिए। इट्स ओके। कुछ दिन पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कौन है, और अब जहाँ देखो वहीं ये दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया जैसे मुझे उसी के पास ले जाना चाहती है। मेरी फेवरेट वॉच भी उसी ने ढूंढ कर दी। जरा बोल दीजिए। कमाल है। कल क्या पढ़े थे? क्यों आपको याद नहीं है क्या? मुझे याद नहीं है इसलिए नहीं, तुम्हें याद है कि नहीं ये जानना है। जिसने बोला अगर वो खड़ा हो जाए तो उसका चेहरा सभी लोग देख लेंगे ना। तेरी आवाज सुनते ही समझ गया था कि वो बेवकूफ तू ही है। बता कल क्या पढ़े थे? वो मैं थोड़ा गजनी टाइप हूँ सर, मुझे ठीक से याद नहीं रहता है। राधा तुम बताओ। इस लड़के का नाम स्वाति है सर। गजनी को ये बात अच्छी तरह से याद है। शर्म तो आती नहीं तुझे? बैठ जा। अटेंडेंस नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं, पर इसकी क्लास में नहीं आना चाहिए। आया ना मसा। चुप कर, रुक जा यार। हो कॉलेज का कल्चरल फेस्ट के हेड के तौर पर आकाश को चुना गया है। चलना चलते हैं। अरे रुकना एक मिनट। आकाश को हेल्प करने के लिए वॉलंटियर्स के तौर पर इस क्लास से कोई जाएगा क्या? मैं चलना। चल। तुम्हारा नाम? नेहा। क्या करोगे? डांस करूंगी। मेरे साथ करोगी? छी। ये पेपर उसे दे दे। ओके। अरे आप यहाँ कैसे? वॉलंटियरिंग। हे वॉच। हे पागल, देख के सीख ले। ओके, ओके। इनका नाम भी लिख ले। ओके।
डांस करने से मना कर दिया? राहुल को पसंद नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड जब स्टेज पर डांस करे तब दूसरे लड़के उसे देखकर एंजॉय करें। वो कौन होता है कंट्रोल करने वाला? वो बॉयफ्रेंड है ना। तो गर्लफ्रेंड की पसंद की कदर नहीं करेगा? तुम उसकी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी गर्लफ्रेंड वहां पर डांस कर रही होती और मैं फ्रेंड्स के साथ बैठकर क्लैप्स करते हुए एंजॉय करता। चलो अब क्या करें यार, वो अगर डांस नहीं होगा तो हमारे प्रोग्राम में जोश ही नहीं होगा। मैं करूंगी। आर यू श्योर? या प्रैक्टिस करना है। बाय, ऑल द बेस्ट। ये कर पाएगी क्या? अपने पास और कोई ऑप्शन है क्या? वैसे इतना अच्छा डांस कैसे कर लिया? हेलो, अपने स्कूल की बेस्ट डांसर थी मैं। इज इट? तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? लास्ट मिनट में टेंशन दे दिया। वो पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा नहीं था, तुम्हारे लिए हाँ कर दी। वो प्रोग्राम खराब हो जाता ना, इसलिए यहाँ की। एनीवे, क्लैप्स कर रहे थे तो पता नहीं तुम्हें कैसा लग रहा था, पर मुझे तो अभी भी क्लैप्स ही सुनाई दे रही है। आकाश की खुशी का कारण मैं हूँ ये जानकर मैं तो आकाश में उड़ रही थी। बचपन में माँ जबरदस्ती मुझे डांस सिखाने के लिए भेजा करती थी, पर आज उन्हें किस करने का मन कर रहा है। मैडम, डांस आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। क्यों बे? ऑडियंस अगर वंस मोर बोले तो आर्टिस्ट को एक बार और करके दिखाना पड़ता है, तो हम लोग बोल रहे वंस मोर, एक स्टेप मैडम, देख के खुश हो जाएंगे। हमारे लिए तो सिर्फ लाइव शो ना, प्रैक्टिस मैच और रिप्ले सब सर के साथ होता होगा। चलो मैडम, अगर सर से बोर हो जाओ ना तो मेरा दरवाजा कभी भी खटखटा सकती हो। क्विज कंपटीशन हार जाने पर भी आपको बहुत दुख होता है क्या? हे, चीयर अप भूमि, इतनी छोटी सी बात पर दुखी हो रही हो? छोटी बात नहीं है, इससे पहले मैं कभी हारी नहीं थी। हमेशा जीते रहेंगे तो उसमें किक थोड़ी है, हार के जीतने में ही और गिर कर उठने में ही तो थ्रिल है। चॉकलेट? थैंक यू। थोड़ा मुस्कुराकर भी बोल सकती हो, ऐसा समझ लो क्विज कंपटीशन का यही फर्स्ट प्राइज है। भूमि, तुम मुस्कुराती हुई अच्छी दिखती हो। तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। शाम से बस यही किए जा रही हूँ, लगता है आ जाए ना पिघल जाएगा, बस कर अब। मेरी स्माइल अच्छी है ऐसा कई लड़कों ने मुझसे कहा है, लेकिन कभी इतना स्पेशल फील नहीं हुआ। ये देखो, ये चॉकलेट मुझे उसी ने दी। अब क्या इसे फ्रेम करेगी तू? हाँ, मेरी पसंद की चीज उसने दी है, मतलब वो मुझे पसंद करता है। पसंद करना अलग होता है और पसंद को पहचानना अलग होता है। तुम्हें लगता है उसे पता नहीं है, पर मुझे लगता है उसे पता है। मैं सोच रही हूँ कि अगर तू लाइट ऑफ कर दे तो मैं सो जाऊं। क्यों, स्केच है क्या? मारा मारी कर सकते हैं, पर कॉलेज में जरूरत है क्या? भूमि, 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 क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों है? ग्राउंड में धनुष का गैंग आकाश को कमेंट किया क्या? और वो शांति से चला गया होगा, उस दिन भी कमेंट किया था, पर मारना तो छोड़ो, इसने उनसे कुछ कहा तक नहीं। हेलो, मेरी बात सुनेगी भी तू? Thank you.
इतना मारा क्या? मारा मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत मारा। पर इतना क्यों मारा होगा? पता नहीं, किसी ने क्या कह दिया जो इतना गुस्सा आया उसे। ए, तुम क्या सोच रही हो बताओ ना, उसने मुझ पर कमेंट पास किया था इसलिए इसने मारा क्या? मैं क्या सोच रही हूँ ये मैटर नहीं करता, वो क्या सोच रहा है ये पता लगाना इम्पोर्टेंट है। शिवरात्रि। पास में कोई मंदिर है क्या? मेरे रूम के कबर्ड में है। You're looking beautiful. साड़ी में अच्छी लग रही हो। मूवी के हीरो से लेकर अपने कॉलेज के लड़कों तक, लड़कियां जब भी साड़ी पहनती हैं तो उनका सेम रिएक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, साड़ी में बहुत से लोगों को दिखा है पर कभी किसी को ऐसा बोला नहीं है। हॉलीडे है ना, क्या प्लान्स है? Nothing. हमारे सभी दोस्त अभी मैच के लिए गए हैं। तुम नहीं जा रहे हो क्या? वन सेकंड। हेलो। या ठीक है, फिर बोल दोगी क्या? ओके। गर्लफ्रेंड? ऐसा ही कोई है। माँ सीरियसली तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं है। पक्का? क्यों ऐसा पूछ रही हो? वो दिखने में अच्छे लगते हो, बातें भी अच्छी करते हो, जरूरत हो तो फाइट भी कर लेते हो, सच कहूँ तो बिल्कुल हीरो जैसे हो। अच्छा, किसी और को शायद ऐसा लगा नहीं होगा। सच में यहाँ कोई नहीं है। हेलो, पेपर। सॉरी सर। ओके। आकाश भी शायद मेरी तरह इस कंफ्यूजन में है कि पूछूं या ना पूछूं। मैं खुद ही जाकर उससे पूछ लूं क्या? सोचना बंद कर और पूछ ले। लेकिन लड़की का पहले पूछना ठीक है क्या? तो क्या और वेट करने का इरादा है? जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुझे? एक बार तेरे पेरेंट्स के बारे में सोच यार, उन्होंने तुझ पर जो उम्मीद रखी है उसके बारे में सोच, इसी के लिए तूने इतनी पढ़ाई की थी। अबे लकी फेलो है तू, तेरा लव रिजेक्ट किया इसलिए तू दुखी क्यों हो रहा है? खुशियां मना। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो हैप्पी फील करता, मेरे फ्यूचर को फुल स्टॉप नहीं लगा इसलिए फुल पार्टी करता। तुमने किसी से प्यार किया होता तो पता चलता। हाँ यार, मैंने किसी से प्यार नहीं किया और ना ही कभी प्यार करूंगा। वैसे भी क्या है यार इस बेकार से लव में, फूल देना, रात को घंटों घंटों फोन पे बात करना। गर्लफ्रेंड तो लाइफ में कभी भी हासिल हो सकती है, लेकिन तेरा गोल अगर अभी मिस हो गया ना तो फिर कभी भी रीच नहीं होगा। जो चला गया उसे हम बाद में हासिल कर सकते हैं, पर एक बार टाइम वेस्ट हो गया तो लौट के नहीं आएगा। मैंने तो अब तक टाइम वेस्ट नहीं किया है और ना ऐसे किसी काम ना आने वाले प्यार के लिए अपना टाइम वेस्ट करूंगा। भूमि, जा रही हो क्या? मैं भी आज इवनिंग फ्लाइट से जा रहा हूँ। और क्या हाल है? नहीं कुछ नहीं, बस बाय बोलने आई थी। या बाय भूमि, पता नहीं दोबारा कब मिलोगी, असल में मिलोगी या नहीं पता नहीं। ठीक है, हो सके तो फोन करते रहना। बाय।
ने उससे जो भी बातें कही लगा जैसे मुझसे ही कही हो। मेरे मन में जितने सवाल थे उनके जवाब दे रहा हो। कभी कभी हमें अपने सवालों के जवाब ऐसे ही मिलते हैं। आकाश के मन में क्या है ये मुझे अब पता चल गया। जब मुझे पता चला था कि उसके मन में कोई नहीं है तो मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ ये जानकर बहुत दुख हुआ। एक बार जो किताब पढ़ चुके हैं उसे दोबारा पढ़ने से कहानी नहीं बदलती और ना ही उसका अंत बदलता है, और ऐसी कोई उम्मीद करना शायद इस दुनिया में सबसे बड़ा पागलपन है। क्या हुआ, कह दिया क्या उस लड़के को? क्या कहा उसने? हाँ कह दिया ना? नहीं मम्मी, वो मेरे लिए सही नहीं है। क्या कह रही है तू, उसे पसंद नहीं है क्या? जाता है तो जाने दे, तू बस हाँ कह, तेरे सामने हैंडसम लड़कों की लाइन लगा दूंगी, देखता रह जाएगा वो। अरे जाने दो ना मम्मी, ये शादी लड़के ये सब मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब है तेरा, शादी किए बिना ऐसे ही रहेगी क्या जिंदगी भर? तेरी बात मानकर मैंने तो प्रार्थना करना भी छोड़ दिया। अब अपनी प्रार्थना में कुछ और मांगना कि आपको मुझसे छुटकारा मिल जाए। मेरी तो किस्मत ही खराब है, दिल पर बोझ बनकर रह गई है तू। प्रभा ये कैसी बातें कर रही हो, चलो तुम जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ। बच्चों की जिम्मेदारी जितनी माँ पर होती है उतनी पिता पर भी होती है, पर इस घर में तो सब उल्टा है, किसी को यहाँ फिक्र ही नहीं है। शादी करवाने की चिंता नहीं है तो कम से कम शादी के बारे में सोच तो लो। मेरे पास ना ही विचार है ना ही चिंता है, और जिम्मेदारी भी नहीं है, ठीक है ना? ओके, वैसे भी क्या शादी के लिए ही बच्चों को पैदा किया जाता है? प्रभा तुम जो कह रही हो सही है, शादी एक जरूरत तो है पर वो जिंदगी नहीं है। बड़ी उम्मीदों से बच्चों को पैदा करते, मेहनत करके बड़ा करते हैं, जितनी हैसियत नहीं होती उससे कहीं ज्यादा पढ़ाते हैं, उनकी मांगे पूरी करते हैं, ऐसा हम उनकी शादी करवाने के लिए करते हैं, नहीं ना? ये सब हम उनकी खुशियों के लिए करते हैं, और अगर ऐसी खुशी वो खुद ही ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए हम रुक क्यों नहीं सकते? उनकी पसंद क्या है हम पता क्यों नहीं करते? प्रभा लाइफ में सेटल होने के लिए हम बेटी और बेटे में फर्क क्यों करते हैं? हम हमेशा बेटियों की शादी के लिए जल्दबाजी करते हैं। यही कहा जाता है कि बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मर्जी के बिना जब बेटी शादी करके तकलीफ उठाती है तो दुखी कौन होते हैं, वो या हम? तेईस साल की होते ही लड़कियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और 25 साल की होते ही शादी करके ये बोझ उतार देना चाहिए। भाई मैं तो ऐसे दकियानुसी विचार रखने वाला फादर नहीं हूं। मेरी नजर में बेटी की शादी नहीं करवाना कोई फेलियर नहीं है प्रभा, उसकी मर्जी के बिना शादी करवाना वो फेलियर है। मेरी बेटी के सामने सिर झुकाने वाली परिस्थिति जब तक नहीं आती कोई कुछ भी कहे या बोले, आई रियली डोंट केयर एंड आई मीन इट। मॉर्निंग डैडी। हे मॉर्निंग डैडी, मैं एक हफ्ते के लिए अलग जा रही हूँ, बिंदु की शादी है, हम ही करवा रहे हैं। गुड गुड, एंजॉय करके आओ। हर किसी की शादी करवा सकती है पर खुद नहीं कर सकती। बेटी एक बार जज के फैसले को बदला जा सकता है पर तुम्हारी माँ के मन को नहीं बदल सकते, इट्स रियली इम्पॉसिबल। मम्मी मैं शाम को जा रही हूँ।
मैं मना करूंगी तो नहीं जाओगी क्या? मेरी कौन सी बात सुनती हो तुम? अब क्या करूं, मुझे शादी करनी होगी, इतना ही ना। मम्मी, मेरी भलाई के बारे में आपसे ज्यादा सोचने वाला और कौन हो सकता है? जो आपको पसंद होगा उससे कर लूंगी। हाँ, सच कह रही है? आपकी कसम। देखती जा, बहुत अच्छा लड़का लाऊंगी मैं, और अगर तुझे मना करेगा ना तो उसका गला काट दूंगी। रही हो? वो फोन मुझे दो। अरे दो ना। ये कैसी शक्ल बनाई है, जरा हंसो। क्या बात है मैम, अपना ड्रेसिंग स्टाइल तो पूरा बदल लिया आपने। ऑफिस में, शादी में एक तरह के कपड़े कैसे पहनूं? अलग अलग जगह पर इंसान को अलग रंग में होना चाहिए ना। वाओ मैम, शौक पर शौक दे रही है आप। पर आपका ये लुक बहुत अच्छा है मैम। हाँ मैम, आपकी एज 5 साल कम लग रही है। मतलब मेरी शादी में और 5 साल देरी होगी तो चल जाएगा ना। वो देखो सभी बैठे हैं। क्यों बेटी भूमि? अंकल, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आ गए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बिना हिचके कह। बिल्कुल अंकल। वैसे आकाश अब तक क्यों नहीं आया? वो अंकल, देखो याद किया और आ गया। आजो, तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। सफर कैसा रहा? अच्छा रहा अंकल। ओके। मैंने सोचा आप गांव चले गए। आपको छोड़कर कहां जाऊंगा। लोकेशन देखा क्या, लाजवाब है। आप ओके करेंगे तो अच्छा कपल वीडियो बनाएंगे। मेरे साथ बनाइए सरला जी, आप मेरे साथ आ जाएंगे तो शायद मैं भी फेमस हो जाऊं। कपल वीडियो के लिए चाहिए होता है हीरो, कॉमेडियन नहीं। कब क्या बात करनी है पता नहीं क्या। अभी अभी सफर करके आए ना, रेस्ट करने दो इन्हें। बुरा मत मान यार। हरी, आओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। हैं, सभी काम मुझे ही बताते हैं। अरे जल्दी आना। जल्दी क्या है जी, आ ही तो रहा हूँ। ये ऐसा ही है, थोड़ा स्लो है। उससे फर्क नहीं पड़ता, बस काम होना चाहिए। ले जा, आप रूम में जाइए। हाँ। ए, अरे चल, मंडप वाले क्यों नहीं आए, जरा पता करो। ये कौन है यार, धीरे चलने का ब्रांड एम्बेसडर लग रहा है। क्या पता यार, थोड़ा फास्ट चलो ना। फास्ट जाऊंगा तो फर्स्ट प्राइज देंगे क्या? ठीक है, तू धीरे चल, पर हमारा रूम कहाँ है बता। सीधे चल के बाएं तरफ जाइए। अच्छा बाएं तरफ, ओके। हम लोग जा रहे हैं, तुम इसे लेकर शाम तक आ जाना, ठीक है? मजाक मत उड़ाओ। भूमि को देखा क्या, पूरा स्टाइल बदल दिया उसने। ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही है। क्यों अच्छा लग रहा ना? है ए, हमेशा साड़ी पहनने वाली लड़की ने अगर स्टाइल बदल दिया ना, उसने तुझे भी कट कर दिया समझो। ये बैड साइन है यार, तू ज्यादा खुश मत हो, अलर्ट हो जा बेटा। ये लो, खर्चे के लिए रख लो। इसे छुपाने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, खर्चा करने के लिए बाजार। मेरे पास इतना धीरज नहीं है, आप ही रख लो। सही कहा यार, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। एक बार और एक बार। वो देख, टिकटॉक वाली लड़की। पूजा, आकाश,
आकाश, मैंने तो इंस्टा रील बनाई, पर तुम भी किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं हो। चल भाई। कितना अच्छा वेदर है ना, ऐसा वेदर मुझे बहुत पसंद है। कितनी बदल गई है आप मैम, इस जगह की वजह से है क्या? अगर यहाँ कोई बैगेज नहीं होगा तो हम कहीं भी हैप्पी हो सकते हैं। हाय भूमि। सर, लोकेशन लाजवाब है ना, आइए एक सेल्फी लेते हैं। आइए आइए, लेते हैं। आप कहाँ जा रही हैं मैम? ग्रुप सेल्फी। बोर हो रही हूँ, रूम में जा रही हूँ। हेलो, बिरजू से बात हो रही है क्या? फोन किसे किया है पता नहीं है क्या? बेवकूफ कहीं का, चल बात बता। कल आपने रिश्ता देखा था ना, उस लड़की ने ओके कर दिया है। कल जिस लड़की को देखा था उसने ओके बोल दिया, इतनी जल्दी? नो बोल दे। कार चला रहा है या बैलगाड़ी? और कितना टाइम भाई, बैलगाड़ी नहीं कार चला। ऑलरेडी 100 की स्पीड पे है कार सर। ये कोई स्पीड है, 200 की स्पीड कर। तब आप शादी में नहीं सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे सर, जाना है क्या? उतरो उतरो ना। खुश सर, बुढ़िया कहीं की बैठी तो उठ नहीं पाती, उठी तो बैठ नहीं पाती। तो आप इन दोनों के बीच में क्यों बैठ गए? मैं बीच में नहीं, पहले बैठा, ये दोनों बाद में अगल बगल बैठ गई। छुट्टे नहीं है सर, 5 मिनट वेट कीजिए, मैं ला कर देता हूँ। क्या कहा, मैं वेट करूँ? अबे मैं लड़कियों की वेट नहीं करता, तो तेरे छुट्टे का वेट करूंगा क्या? छुट्टा लेके और पैसे लेके जा, नहीं तो अपना रास्ता ढूंढ ले। मेरा नसीब फूटा हुआ है। क्या रे बिरजू, कैसा है? कल ही लॉरी ने धक्का मारी थी, ये मेरी आत्मा है। बेकार का सवाल पूछते रहते हैं, कभी नहीं सुधरेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, इन सारे काम चोरों के बीच में एक एक्टिव पर्सन मैं ही हूँ। अरे सुनो भाई, जरा पानी की बोतल पास करोगे क्या? अभी अभी तो बैठा हूँ, इतनी जल्दी दूसरा काम क्यों दे रहे हैं? अरे बाप रे बाप, इसे देख के तो बड़े बड़े आलसी भी शर्म से डूब जाए। अरे भाई तुम रुकी जाओ, तुम कष्ट मत करो, मैं खुद ही जाके ले लेता हूँ। अरे बाप रे, पता नहीं कब पहुंचेगा वहाँ। ये वहीं पे है ना, 10 दिन लगेगा तुझे पहुंचने में, तू और तेरे कछुए की चाल है? अच्छा है, एक काम कम हो गया। ये तो बहुत ही भयंकर है। अरे चाची कैसी हो आप? क्यों रे बिरजू, इतना लेट कैसे हो गया? आमतौर पे मंगलसूत्र बांधने के टाइम पे जाता हूँ, अपने कार्तिक की शादी है इसलिए थोड़ा पहले पहुँच गया। ठीक है, फ्रेश होके आ जा, नाश्ता लगाती हूँ। अरे चाची हाथ से खाना है तो पैर धोने की क्या जरूरत, चलो रहने दो, यहाँ दो हाथ में चला जाऊंगा। ये डी है पत्थर, अकल नाम की चीज ही नहीं है। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या है? मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मैं आऊँ तो उठकर चली जाती हो, बात करना चाह रहा हूँ तो टाइम नहीं दे रही हो। मुझे तुमसे बात करनी है भूमि। आकाश प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे जो कहना है वो एक बार सुनो। मैंने मना किया ना, जाने दो मुझे। असल में भूमि उस दिन हुआ ये कि वही भूलने की मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, मेहरबानी करके याद मत दिलाओ। अरे जो बोल रहा हूँ वो सुन क्यों नहीं रही? प्लीज कह रही हूँ ना आकाश, अब और क्या करूँ, पैर पकड़ूँ क्या? अरे अरे, अबे वो कछुए की प्रजाति पता नहीं ये किस ग्रह से आया है। क्यों ब्रदर, अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? फ्रेंड नहीं है, मेरे सर हैं। ओह सर, कौन सा साबुन इस्तेमाल कर रहे हो? शादी का इंतजाम किसने किया? ये क्या भाई, तुम्हारे पैर से लेकर सर तक इतनी ऊंचाई है? और ये शुरू होती नहीं कि खत्म हो जाती है। हाँ?
ये क्या है? फूल। किस लिए? प्यार के लिए। तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया। तुम भी अपने दिल को समझाओ, क्यों मेरे ऊपर आ जाए। जाइए जाइए, बहुत खाना है, खत्म नहीं होगा, जाइए पेट भर के खाओ और प्रभु के गुण गाओ, है ना? आंटी बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? क्यों बिरजू जी, बिना लाइन में लगे खाने की पहली सीट रिजर्व कर ली क्या? भाई तू अकेला है जिसने मुझे सही समझा। थैंक्स जी। बगल की सीट पे बैठेगा क्या? चल वहाँ बैठ के खाते हैं। ये तो अलग ही तरह का है, लाइन तो मुझसे ही शुरू हो रही है, पहले मुझे परोसा जाएगा फिर लोग खाएंगे। अरे भाई वहाँ कहाँ चला गया, यहाँ आया, इस तरफ इस तरफ। ओह माय गॉड, वो वहाँ से शुरू कर रहा है। अचार के लिए 15 मिनट वेटिंग किया। कुछ भी चाहिए तो बिना हिचकिचाए मांग लीजिएगा। ओह माय गॉड, सुनिए चाचा जी, हर आइटम वहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा क्या? भूख सही नहीं जा रही है मुझे। गुस्सा मत कीजिए बिरजू जी। तो क्या करूँ? देर किए बिना आपके लिए स्पेशली परोसने के लिए किसी इंसान को भेजता हूँ ना। थैंक यू ब्रदर। अरे भाई अरे बाप रे, हे भगवान, आज सारे ग्रह मुझसे बदला लेने पे उतारू है क्या? वैसे भूमि, तुम हमेशा क्यों करके गुस्से वाला मुंह रखती हो? ऐसे छोटे बच्चों की तरह सोओगी तो कितनी प्यारी लगती हो पता है? बाप रे, वैसे भी मुझे समझना चाहिए था, असल में इस सुंदरता पर मैंने तब क्यों नहीं ध्यान दिया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं भूमि, अगर लाइफ को रिवाइंड करने का चांस मिलेगा तो मेरा दोबारा हमारे कॉलेज के दिनों में जाने का मन है। वहां से दोबारा जीना चाहता हूं मैं। इस बार तुमसे मिलकर वैसे भी कोई चांस नहीं है ना, कम से कम बचा हुआ प्यार जल्दी तुमसे स्टार्ट करना चाहता हूं। तुम्हारा प्यार कैसा होगा ये तो सिर्फ सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया, तो बताओ कब दिखाओगी? बहुत कुछ बताना है तुम्हें, ऐसे नहीं जब तुम सुनोगी तब, तुम्हारी आंखों में देखते हुए। गुड नाइट। मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर लिया? एक बार भूमि को गुस्सा आ जाए तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनती। वो ऐसी बन गई इसका कारण मैं ही हूं अंकल। उसने मुझसे कितना प्यार किया होगा जो मेरी जगह किसी और को देख नहीं पाई होगी। वो किसके साथ रहेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे हिसाब करके प्यार करने के दिनों में, असल में अपने खुद के प्यार को समझकर मेरे लिए वो ऐसी रह गई। कौन इतना प्यार करता है अंकल बताइए? अनजाने में मैंने उसे बहुत दुख दिया है। मेरे प्यार के बारे में जब तक पता ना चले तब तक मैं इंतजार कर सकता हूं। ठीक है बेटा। इसे पैक कर दो। हे, आ जा, ये वहां पर रख दे। अरे वहां देखो, वहां देखो, देखो। हेलो, लड़का कैसा है, पसंद आया क्या? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? दोबारा मन बदल लिया क्या तूने? कसम खाई थी तूने, याद है ना? अच्छा है मम्मी, तो फिर सगाई तय कर दूं क्या? आपकी मर्जी। बाय।
जल्दी आ जाइए, संगीत शुरू होने वाली है। चलो। हेलो। क्यों बेटी, कैसी हो? शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ऑल गुड डैडी, आप कैसे हैं? मेरी बात छोड़ो, माँ का क्या हाल है? एंगेजमेंट की बहुत जल्दबाजी है उन्हें। सुनो बेटी, लड़का सच में तुम्हें पसंद है या फिर माँ की बातें सुनकर ओके कर दिया? पसंद नहीं है तो मुझसे कहो, माँ की बातों पर ध्यान मत दो। ऐसा कुछ नहीं है डैडी, मुझे पसंद है। फिर तो अच्छी बात है, टेक केयर बेटी। बाय डैडी। दीदी जल्दी आइए ना, संगीत शुरू होने वाला है। भूमि, तू जल्दी तो आ जाएगी ना? सुबह ही सगाई है, जल्दी आकर सो जाएगी ना तो मॉर्निंग में फ्रेश रहेगी। आ जाऊंगी मम्मी। भूमि, तुमसे कुछ बात करनी है। कॉन्ग्रेट्स, वी डिड इट। हमने सोचा था उन दोनों की शादी मिलकर करवाएंगे, हमने करवा दी। अब हम दोनों को नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये सब नाटक है क्या? और नहीं तो क्या। लगता है तुम्हारा गुस्सा मुझ पर से कम नहीं हुआ है। तुमसे नाराज नहीं हूं मैं, हाँ लेकिन तुम मुझे पसंद भी नहीं हो, तो मुझे परेशान मत करना। अरे मैंने क्या किया है? टाइम हो रहा है, मुझे जाना है। इतनी जल्दी क्या है? कल मेरी एंगेजमेंट है। इसी ने मुझे तुम्हारे पास लाया, ये अगर तुम्हें दे दूंगा तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी, इसका मुझे डर है। अच्छा याद दिलाया तुमने, मैं भी सोच रही थी यादें मिटा देनी चाहिए, तो ये मेरे पास नहीं होना चाहिए। रुको भूमि, क्या है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम? क्या है? तुमसे बात करनी है, बस 5 मिनट। पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझसे इतना प्यार किया तो बस 5 मिनट नहीं दे सकती? ए रुक जाओ, बात कर रहा हूं तो ऐसे जा क्यों रही हो? कितने समय तक अपनी मनमानी करोगी? मेरी बात नहीं सुनोगी क्या? जब बोलना चाहिए था तब बोला नहीं, जब सुनना चाहिए था तब सुना नहीं। तुम खुद प्यार करती हो, खुद ही बुरा मानती हो, फिर खुद ब्रेकअप करती हो और अपने रास्ते चली जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? फीलिंग्स बस तुम्हारे ही अंदर है, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। इतने सालों के बाद मैं यहां क्यों आया हूं, क्यों तुम्हारे आसपास घूम रहा हूं? कभी एक बार भी सोचा है तुमने? मैं यहां किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आया हूं और ना ही किसी रिश्ते के लिए आया हूं, बस तुम्हारे लिए आया हूं।
मुझसे प्यार किया ये पता चला तो वहां रह नहीं पाया और मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहां आ गया। हाय, हाउ आर यू? हाँ, मैं पहुंच गई हूँ, बस आई एम सो सॉरी। आकाश, अंजलि, तुम यहाँ कैसे? वैसे तुम्हारी फ्रेंड भूमि कैसी है? कॉलेज खत्म होने के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। ओ, तुमने कहा नहीं लेकिन तुम्हें उससे प्यार था ना आकाश? वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी, हमेशा तुमसे बात करने का ट्राई करती रहती थी। तब तक जो दुनिया मैंने अपनी नजरिए से देखी थी, तभी मुझे तुम्हारा नजरिया नजर आया। मैंने सोचा नहीं था पार्टिसिपेट करूंगी, बस तुम्हारे लिए कर लिया। सीरियसली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है। वो दिखाई देने के बाद मेरी दुनिया मुझे पसंद नहीं आई। कहाँ हो पता नहीं, क्या कर रही हो पता नहीं। बहुत ढूंढा, पहचान वाले सभी को फोन किया, पूरा सोशल मीडिया सर्च किया, लेकिन कहीं नहीं थी। कहाँ हो? अभी भी मुझसे प्यार करती हो या फिर मुझे भूल गई हो? गौतम, यस, हैदराबाद में ही है। वो एक स्टार्टअप कंपनी रन कर रही है। उसकी कंपनी को फंडिंग देने वाले मेरे डैडी हैं। हे आकाश, और एक बात, उसकी अब तक शादी नहीं हुई है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बात सुनते मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हें देखने की उत्सुकता ने मुझे वहां पर रहने नहीं दिया। इतने सालों के बाद मुझे देखकर एक्साइट हो जाओगी सोचा था, पर इतना कैजुअली बिहेव करने के बाद मैं कैसे रिएक्ट करूं मुझे समझ में नहीं आया। मैं भी मूव ऑन हो गई ऐसा सोचा था। तुम्हें क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए ही मैंने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। मैं जिस कॉलेज की लड़की को इतने अच्छे से जानता हूं, वो एकदम से अनजान सी लगने लगी थी, तो मैं अट्रैक्ट हो गया। मुझे अपने आप से मिला है तो प्यार कर बैठा। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ये जानने के लिए ही रिश्ता देखने जाना है ऐसा झूठ बोला। तुमने मुझसे प्यार किया ये मैंने सुना, पर मुझसे कितना प्यार किया है ये मैंने उस दिन देखा भूमि। तुम्हारे प्यार के बारे में जाना नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम उस दिन जब वैसे ही जा रही थी तो वो मुझे गुस्सा लगा था, सोचा कम होगा तो लौट आओगी, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारे इतने पसंदीदा बॉच को जब तुम छोड़कर जा रही हो, तो मैं समझ गया भूमि कि तुमने मुझे उसी दिन छोड़ दिया था। तुम्हारा प्यार थोड़ा लेट पता चला ये लगा था, पर बहुत लेट हो गया ये अभी पता चला है भूमि। मैं करूंगा, कह रहा हूं ना, मुझे तुमसे बात करनी है भूमि। आकाश प्लीज, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दीदी, सब लोग जा रहे हैं। आकाश को एक बार फोन करो बेटी। वेट कर रही हैं अंकल, मुझे जाना होगा। सरला बैग लेकर आओ।
आ गई क्या? आजा 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 आजा। चल। भूमि, लड़के वालों के आने का समय हो गया है, जल्दी रेडी हो जा बेटी। थोड़ा मुस्कुराइए मैडम, आप मुस्कुराती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों बेटी, देखते ही कनेक्ट हो गई ना? किसी से प्यार करते हैं तो बता देना चाहिए, उसकी पसंद क्या है पता लगाना चाहिए। जब तक सवाल नहीं पूछोगी जवाब कैसे मिलेगा, है ना बेटा? हाँ? जाओ, अब तक बहुत वेट किया है तुमने। जिस लड़की से प्यार करते हो उसका नाम भूमि है क्या? हाँ आंटी। तुम दोनों ने मिस्ट में पढ़ाई की थी? आपको कैसे पता? प्यार बिल्कुल सच्चा है, उसका प्यार आकाश को यहाँ तक खींच लाया, इसलिए तो मैंने उन दोनों को एक कर दिया। आखिरकार बेटी की शादी करवा के ही भेज रही हो? उसकी शादी करवा कर भेजने के लिए नहीं, हमारे बात कोई उसका ख्याल रखे इसीलिए। मेरी वॉच देकर तो ऐसे गए थे जैसे मुझे छोड़ देने का डिसाइड कर लिया। चांस ही नहीं है। तुमने वैसे भी मुझे कट कर दिया था ना, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स को ही कन्विंस करने के लिए निकल गया था। इतने में आंटी ने कॉल करके हमारे बारे में पूछ लिया, अगर कट किया होता तो आज हम साथ में नहीं चलते। जब मेरे लिए आए थे तो डायरेक्टली मुझसे आकर क्यों नहीं मिले? हैदराबाद में इतने होटल्स होते हुए भी तुमने अपने क्लाइंट से मेरे ही होटल में मीटिंग क्यों रखी बोलो, और आऊंगी कहकर आई क्यों नहीं? मतलब वो सब तुम्हारा प्लान था? जितने शरीफ दिखते हो उतने तुम हो नहीं। तो क्या करें फिर, तुम्हारा प्यार भी तो दिख नहीं रहा था, उसके लिए इतना नाटक तो करना ही पड़ा। जब मेरे लिए तुमने इतना वेट किया तो तुम्हारे लिए मुझे इतनी फाइट तो करनी थी। हेलो, मैंने तुम्हारा कोई वेट वेट नहीं किया, बस मुझे कोई और पसंद नहीं आया था। हंस क्यों रहे हो तुम? कॉलेज में जब थी तब इतना ईगो नहीं था तुम में। मुझे तुमने ही ऐसा बनाया है। अब तक तुमने अपने मुंह से बोला नहीं है क्या कि मैं तुम्हें पसंद हूँ? वेट करो। वही तो, कब तक? जब तक भूमि और आकाश मिल नहीं जाते। उसमें क्या है, तुम्हारी मम्मी को बताऊंगा तो यूं मिला देंगी।